की रायपुर से अगली खबर सामने आ रही है। सीजीपीएससी में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। सीजीपीएससी में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने की जांच करवाने की मांग। सीएम साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा से मांग। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर कार्रवाई करने की हुई मांग। साथ ही युवाओं को ठगने वाली सरकार पर हो कार्रवाई। सुशांत शुक्ला का यह बयान सामने आया है। पिछली सरकार में राज्य में सीबीआई की एंट्री पर लगी थी रोक। सीएम साय, डिप्टी सीएम से की गई मांग। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर कार्रवाई की मांग। युवाओं को ठगने वाली सरकार पर हो कार्रवाई। सुशांत शुक्ला का ये बयान सामने आया है। पिछली सरकार में राज्य में सीबीआई की एंट्री पर लगी थी रोक। तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाया गया है साफ साफ। यहां पर सुशांत शुक्ला ने इस बात को लेकर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के पास अपनी मांग रखी। उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार पिछली सरकारों में सीबीआई पर रोक लगी हुई थी, ऐसे में अब जांच के आदेश देने के बाद कार्रवाई की जानी चाहिए। तो सीबीआई जांच की मांग उठाई है यहां पर सुशांत शुक्ला ने। सीजीपीएससी में हुए घोटाले में सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी विधायक ने की सीबीआई जांच की मांग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की दरखास्त। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता विकास यादव बने हुए हैं। जी विकास, जिस तरह से बीजेपी विधायक ने सीबीआई जांच की मांग की है, साथ ही साथ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप भी लगाया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार थी तब इस मामले का खुलासा हुआ था कि सीजीपीएससी में बड़े पैमाने पर जो है गड़बड़ी हुई है। वह गड़बड़ी जो है ऐसी गड़बड़ी हुई है जो है वहां पे जो है पूर्व कांग्रेस के नेताओं समेत तमाम अधिकारियों के बच्चों को ही वहां पे एंट्री मिली थी। टॉप 10 लिस्ट अगर सीजीपीएससी को देखा जाए तो उसमें जो है पूरे अधिकारियों और कांग्रेस के नेताओं की बच्चों के ही वहां पे टॉप लिस्ट में नाम थे। इसको लेकर जो है यहाँ खुलासा हुआ था कि सेटिंग के तहत जो है जो पूर्व पीएससी के अध्यक्ष थे उसके जानकारी में उसके सेटिंग के चलते जो है इसमें गड़बड़ी हुई थी। वहां पे जो है इंटरव्यू में सब ऐसे लोगों को पास आउट किया गया था जो अधिकारियों के बच्चे हैं और जो नेताओं के बच्चे हैं। तो इस गड़बड़ी को जो है पूर्व कांग्रेस सरकार में जो है गड़बड़ी का खुलासा हुआ था, जिसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को अच्छे से उठाया था और इस पर जो है सरकार बनने के बाद में जो है सीबीआई जांच कराने की बात कही थी, जिसको लेकर जो है अब सरकार बनने के बाद जो है इस मामले को पूर्व विधायक सुशांत शुक्ला ने उठाते हुए एक बार फिर से सीबीआई जांच की मांग की है। बता देना चाहूंगा कि लंबे समय से जो है इस पर जो है कई सारी जो कोर्ट के निर्देश के बाद में जो है जांच हुई थी, पर जांच की जिम्मा ही सरकार को दिया था क्योंकि सरकार पर ही इस मामले में गड़बड़ी के आरोप लगे थे और सरकार को ही इस मामले में जांच का जिम्मा दिया गया था, जिसके बाद जो है पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने भी जो है इस मामले में जांच करके कोर्ट में अपना जो है जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था। बावजूद इसके अब इस मामले की जो है भारतीय जनता पार्टी जो है और भाजपा की सरकार जो है इस मामले को जो है फिर से दोबारा जांच का उठाने की कहती थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से विधायक सुशांत शुक्ला का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार में सीबीआई के आने पर रोक लगी थी, ऐसे में सीबीआई की मांग की जा रही है, क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आ सकता है? क्या दोबारा जांच के लिए सीबीआई को की मांग को कंसिडर किया जा सकता है सरकार के द्वारा? जी, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया यह होती है कि किसी भी अगर मामले में जांच आपको सीबीआई से करवानी है तो उसमें राज्य सरकार द्वारा जो है एक जो है सीबीआई को एक यहां से आरोप पत्र के रूप में एक लेटर जाता है जिसमें जो है जांच की मांग की जाती है, जिसके बाद में जो है उस केस को जो है सीबीआई अपने हाथ में लेकर जो है उस मामले की जांच करती है। तो अब जो है पिछले सरकार में जो है भाजपा इसी पर मांग कर रही थी कि पीएससी घोटाले की जो जांच है सीबीआई से करवाया जाए, लेकिन पिछले सरकार ने भूपेश बघेल की सरकार ने इस मामले पर किसी प्रकार के सीबीआई जांच को लेकर इनकार कर दिया था और खुद ही कोर्ट के निर्देश पर जो है जांच करके जांच रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत किए थे। अब सरकार बनने के बाद में जो है इस मामले पे जो है विधायक सुशांत शुक्ला ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए जो है राज्य सरकार से जो है इस मामले में सीबीआई को जांच करने की मांग की है। जी, तो इसमें अब जो है इस मामले में सीबीआई जांच हो सकती है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आपका कहना है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच हो सकती है, साथ ही साथ सीधे सीधे आरोप भी बीजेपी के विधायक लगा रहे हैं, इस पर क्या कहना है?
देखिए कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी तो देखी जा रही है, क्योंकि जो आप लिस्ट देखेंगे तो इस लिस्ट में तमाम जो टॉप 10 लिस्ट है और टॉप 20 लिस्ट है, इसमें जो है सिर्फ अधिकारियों के बच्चे और नेताओं के बच्चे ही है। तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस इतने बड़े पैमाने पर जो है किसी भी प्रकार के मतलब अधिकारियों के बच्चे ही शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि पीएससी की तैयारी तो पूरा प्रदेश भर के लोग करते हैं और उसको लेकर जो है सालों से अपनी स्टडी जो है तैयार रख करते हैं। तो ऐसे में इस मामले में ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि लगातार जो है लिस्ट देखेंगे तो उस लिस्ट में पूरे लाइन से जो है अधिकारियों के बच्चे जो है टॉप किए हैं। तो इस मामले को लेकर जो है गड़बड़ी सीधे तौर पर खुलासा हो गया था। अब इस मामले विकास, इस पूरे मामले में क्या अभ्यर्थियों की तरफ से भी कोई शिकायत सामने आई है जिसका वो जिसको लेकर वो विरोध कर रहे हो? जी इंटरव्यू में जो है पासिंग आउट पर मिले आधार के नंबर पर जो है कई सारे ऐसे आरोप लगे हैं, और अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए थे कि इस मामले की जांच हो करके, जिसके बाद जो है इस मामले का पूरे तरीके से खुलासा हुआ था कि कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस इंटरव्यू में कई सारे अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद जो है उनको लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। तो इसी के बाद से जो इस मामले का खुलासा हुआ था। तो कुल मिलाकर इस मामले में पूरी तरीके से गड़बड़ी जो है सामने आई थी, जिसके बाद जो है राज्य सरकार ने इस मामले में ज्यादा जो है जांच का जो दायरा है उसको आगे नहीं बढ़ाया था, और इस मामले में किसी प्रकार के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई। वहीं जो पीएससी अध्यक्ष थे जिनकी मौजूदगी में यहाँ जो मामला हुआ था, उन्होंने उनका जो है रिटायरमेंट भी हो गया था, जिसके बाद जो इस मामले में उनके ऊपर भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं है। तो कुल मिलाकर इस मामले में जो है अभी तक से जो दोषी है वो अभी तक से जांच के दायरे से बाहर है। अब जो है इस मामले में जांच होना जायज है कि इस मामले में सीबीआई अगर जांच होगी तो इसमें कई सारे जो है खुलासे हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।